गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि कल हमने एक सुझाव मांगा था आप लोगों के द्वारा कि यदि मैं डेयरी का बिज़नेस, या कोई मुझसे पूछे कि यदि मैं डेयरी का बिज़नेस करना चाहता हूं तो उसके बारे में यदि किसी को मुझे बताना पड़े, तो जिस प्रकार से हमने आपके माध्यम से ओपिनियन मांगा था, सजेशन मांगा था, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा भी लगा। और जो आपने लिखा था पूरी प्रैक्टिकली जो बातें होती हैं, जो व्यवहारिक जीवन में आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा था, मैंने पढ़ा। चाहे रूपम कुमारी जी रही हों, चाहे नागर एकेडमी रहे हों, चाहे रवि जी रहे हों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, जीवन में अनुशासन की अपेक्षा से ज़्यादा हानिकारक कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो याद रखिएगा आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं पाएंगे। अनुशासन ही आपको अन्य लोगों से अलग बनाता है। किस तरह से आप लोग कहते हैं कि यार जब आर्मी वालों को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में देखिए, जिनके पास एक्चुअल में पावर होती है, नॉलेज होता है ना, उनके अंदर अनुशासन आ ही जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, यदि आपको बहुत आगे जाना है, एक अच्छा बेहतर समाज को कुछ देना है, तो सबसे पहले अपने अंदर अनुशासन लाइए। अनुशासन नहीं रहेगा तो तमाम तरह की दिक्कतें रहेंगी। इंसान कभी कभार समझ नहीं पाएगा आपको, ठीक है, कब आप किस तरह से कब क्या रिएक्ट कर देंगे, किसके ऊपर क्या बोल देंगे। जब आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या सीख देंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा कि कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, बच्चों को पढ़ाते समय इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बच्चों को पीटने लगते हैं, पर वो भूल जाते हैं कभी भी वो भी बच्चे ही थे। तो ऐसी तमाम तरह के चीज़ों के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है, और यदि अनुशासन नहीं होगा तो आप। मेरा एक मित्र था, उनकी नई नई शादी हुई थी, मैं आपको चीज़ों के बारे में बता दूँ, लड़का बहुत अच्छा है, पर ये चीज़ मैं मतलब जो तीन चार मित्र हम लोग हैं उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं कि उसके अंदर एक दिक्कत है। जैसे कभी कभार इतना अब नॉर्मल टाइप होने लगेगा ना, ऐसे एक्टिविटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं कि जिससे हम लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह की हरकतें करता। अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छे से, मतलब एक ही साल हुआ था, किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, विवाद हुआ, विवाद छोटा सा विवाद था, मैं आपको क्या जिक्र करूं, छोटा सा विवाद इतना बड़ा बढ़ गया कि आज दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई है। तो ये क्या अनुशासन की ही बात है, ठीक है, धैर्य की बात है। तीन चीज़ों पे आप करिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बातें ही चीज़ों को बहुत विकराल बना देती हैं, जीवन नष्ट कर देती हैं। कभी कभार यदि आप सामने वाले का रवैया सोच समझते हैं कि झगड़ालू किस्म का है या फिर ऐसा ही व्यक्ति है, तो उसे उलझने की कोई मतलब नहीं है। तो आप जानते हैं सामने वाला व्यक्ति इस बात को लेकर गुस्सा होता है, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। आप उसे खुश रखने के लिए उसी के अनुसार तो बातें कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए लिखा है, चुनौतियों को अवसर में बदलते योगी। तो आज हम जो भी बात करेंगे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में बातें होंगी। और इसे लिखा है प्रदीप सिंह जी ने, ठीक है, किस तरह से कोरोना काल में तमाम तरह की दिक्कतें आई, पर यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने इसे एक अवसर में बदल दिया, और अन्य राज्यों को, अन्य लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का चुनाव किया, तो प्रदेश भाजपा में बहुत से लोगों को यह रास नहीं आया। वैसे ऐतराज़ करने वाले तो आज भी हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े संकट से निपटने की कसौटी पर पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं का निर्णय खरा साबित हुआ। योगी देश के सबसे प्रभावी, ईमानदार और कठोर परिश्रमी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। कोरोना संकट और उससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के प्रायोजित विरोध से वे जिस तरह निपटे, उसकी प्रशंसा पूर्वाग्रह व दुराग्रह से ग्रस्त लोगों को छोड़कर सभी करेंगे। दोनों चुनौतियों का सामना करने में उन्होंने केवल पहल कदमी की बल्कि नवाचार भी दिखाया। नागरिकता कानून के विरोध में दंगा और हिंसा करने वालों से निपटने के उनके तरीके मिसाल बन गए। हाई कोर्ट की अति सक्रियता के सामने वे डटकर खड़े रहे और कानून में बदलाव से संकोच नहीं किया। आपको पता है कुछ लोग जो स्लॉटर हाउस था, मैं बता रहा हूँ, स्लॉटर हाउस हिंदी में उसको कहते हैं बूचड़खाना,
जैसे ही 2017 में इन्हें मुख्यमंत्री का पदभार संभाला जाता है, उसके बाद बहुत पहले से ही एक आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्णय था कि जो बूचड़खाने उसे आधुनिक किया जाए, और बूचड़खानों की वजह से जिस तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे पे वहाँ बूचड़खाने के इर्द गिर्द रहने वाले को हो या फिर उनके मांस का जो लोग सेवन करते हैं, एक विशेष जाति धर्म के लोग, उनमें एक जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है, ये बहुत पहले से ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, उनका आदेश था। उसके बाद किस प्रकार से एक ही दो दिन के अंदर उस पर उन्होंने अमल कर लिया और सारी चीज़ों को रातों रात उन्होंने बदल दिया। तो कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि ये निर्णय योगी जी का था तो गलत था, उन्होंने बस उस पर अमली जामा पहनाया था, ठीक है, पर वो निर्देश और आदेश कह सकते हैं जुडिशरी का था। इन दोनों संकटों में लोगों ने एक नए योगी आदित्यनाथ को देखा, जो लोग उनकी आलोचना में प्रशासनिक अनुभव की कमी को का मुद्दा उठाते, तो उन्होंने देखा कि दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे नेता ज़्यादा अपरिपक्व नजर आए। दिल्ली सरकार ने 17 से 28 मार्च की रात, जब 1.5-2 लाख मजदूरों को DTC की बसों में बिठाकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर बेसहारा छोड़ दिया, तो उन्होंने रातों रात हजारों बसें भेजकर न केवल प्रदेश के बल्कि बिहार के लोगों को भी सुरक्षित पहुँचाया। सोचिए, आपको पता होगा जब कोरोना की वजह से चारों तरफ अराजकता फैलने लगी दिल्ली जैसे शहर में, उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर दुष्प्रचार किया कि आप ऐसा करिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर जाइए DTC की बसों के माध्यम से, उसके बाद वहाँ पे उत्तर प्रदेश की बसें और बिहार की बसें आपको अपने गंतव्य तक छोड़ेंगी। पर दोस्तों, स्थिति बिल्कुल गलत थी, झूठ थी। एक तरह से चाल किया गया था, प्रवासी मजदूरों के साथ एक घिनौना कहें मजाक किया गया था। उसके बाद जब वहाँ पे हमारे राज्य के CM को पता चला, मुख्यमंत्री जी को पता चला, योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने तत्काल रातों रात ड्राइवरों और बसों की कह सकते हैं इंतज़ाम किया, उसके बाद सारे लोगों को अपने अपने गंतव्य तक पहुँचाया। तो ये होता है, ठीक है, इंस्टेंट एक्शन जिसे आप कहते हैं। कोटा के छात्रों को लाने के मामले में उनकी पहल कदमी का सबको अनुसरण करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के हैं, वे गोरखपीठाधीश्वर हैं। नाथ संप्रदाय देश का साथ एकमात्र संप्रदाय जिसके संस्थापक गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छनाथ ही नहीं, उनके बाद के किसी पीठाधीश्वर ने अपने को या अपने किसी गुरु को भगवान घोषित नहीं किया और न ही कभी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दिखाई। भगवान राम ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा था, सन्यासी सच्चा राजा और कौन हो सकता है, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ ना हो वही न्याय कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ बता दें, बुरा मत मानेगा, जो कांग्रेस है वो हमेशा परिवार में ही लेकर जकड़ी हुई है, ठीक है, परिवार में जकड़ी हुई इसलिए क्योंकि उसने कभी भी अध्यक्ष पद के लिए किसी बाहरी व्यक्ति का चुनाव नहीं किया। यदि किसी ने अच्छा भी किया तो उसे बस एक कठपुतली तक से सीमित रखा और किसी अन्य को वो बड़ा ओहदा बड़े पार्टी पे उसने विराजित नहीं किया। इस वजह से दोस्तों तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ही निराशा है। वो पता है हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी बेहतर कर लें, एक ना एक दिन हमें उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा, ठीक है, और हम उसमें अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं इसलिए उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। और आप देख सकते हैं BJP में, देखिए कमियां तो हर जगह हैं, हर लोगों में है, पर ये कमियां आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे कि ये पार्टी को यदि आप कह दें पारिवारिक पार्टी, यदि आप राष्ट्र के प्रति आपके अंदर देश प्रेम है, आपको सेवा करने का अवसर ज़रूर दिया जाएगा जब वो आपके अंदर काबिलियत नज़र आने लगेगी। सिंहासन और सत्ता का लोभ इस संप्रदाय की संस्कृति में नहीं है, यह प्रकृति योगी को विरासत में मिली है। उनका धार्मिक सांस्कृतिक रूप तो लोगों ने देखा था, पर प्रशासक का रूप अब निखर कर आया है। योगी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के साथ ही उसमें प्रदेश के लिए संभावनाएं तलाशने में देरी नहीं की। उन्होंने मोदी और शाह का यह गुरु मंत्र अपना लिया है कि चुनौतियों को अवसर में बदलो और उसके लिए विद्युत गति से युद्ध स्तर पर जुटो। दूसरे मुख्यमंत्रियों और योगी आदित्यनाथ में एक बुनियादी फर्क है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को एक समस्या के रूप में देख रहे हैं, पर योगी को इसमें अवसर नजर आ रहा है। उन्हीं के शब्दों में, उत्तर प्रदेश के माथे पर पलायन का जो कलंक है उसे मिटाने का यह सर्वोत्तम अवसर है। सर्वोत्तम अवसर बताकर भी थम नहीं गए, लौट कर आने वाले प्रवासी मजदूरों के कौशल के मुताबिक वर्गीकरण करके 16 लाख का डाटा बेस तैयार हो चुका है और बाकी का हो रहा है।
8 लाख प्रवासी श्रमिकों का राशन कार्ड बन चुका है। श्रमिकों के लिए सस्ती दर पर दुकान एवं आवास देने के लिए नीति बन रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए श्रमिक श्रम कानून में आवश्यक सुधार पहल ही किया जा चुका। यही कारण कि चीन से निकलने वाली पहली कंपनी वन वेलेक्स ने उत्तर प्रदेश को चुना। आपको पता होगा कि दोस्तों कोरोना की वजह से चाइना से तमाम तरह की जो कंपनियां हैं वो अन्य विकल्प तलाश रही हैं। ऐसे में भारत जैसा देश जहाँ पर एक बड़ा बाजार भी है और एक विश्वसनीय देश भी है कारोबार के मामले में, तो पहला जो प्राथमिकता उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को दिया गया, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है यदि कोई गुंडागर्दी किया, पहले क्या होता था जब कोई कंपनी स्थानीय स्तर पर आके प्रोफार्मा तैयार करती थी तो कोई गली का गुंडा, कोई थाने साहब, फलाने ढिकाने, ऐसे में क्या होता था कंपनियों के जो मालिक थे वो डर जाते थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, कंपनी लगाने से लोग डरते थे। कई फिल्मों में दिखाया भी गया, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही कामगार श्रमिक कल्याण आयोग की युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करो और उसे आत्मनिर्भर बनाओ, पर नेहरू और उनके करीबी अर्थशास्त्री ने विकास का सोवियत मॉडल चुना। बाद की सरकारें भी इसी रास्ते पर चलती रहीं। इससे गांव और किसान की अपेक्षा होती रही, परिणाम स्वरूप गांव से शहरों की ओर पलायन होने लगा। शहरों और खासतौर से बड़े शहर विकास के टापू बन गए। बिना किसी बुनियादी सुविधाओं वाले झुग्गी बस्तियां प्रवासी कामगारों की नियति बन गई। रोजगार की तलाश में गांव से शहर आने वालों की जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती चली गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या 45 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना से लगभग एक तिहाई ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वैसे प्रवासी मजदूर बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा से भी हैं। इन राज्यों के ज़्यादातर मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल जाती हैं। समस्या की विकरालता का अंदाज़ा इससे लगाया कि 45 करोड़ में 93% असंगठित क्षेत्र के हैं, जिनका अलग से कोई डेटाबेस नहीं है। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को ध्यान से देखें तो इसमें कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुटीर, लघु और मझोले उद्योग पर सबसे ज़्यादा जोर है। मोदी का लोकल पर ओकल होने का नारा कोरा नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा बार बार जो आह्वान किया जा रहा, देश की जनता के सामने रखा जा रहा है एक बात प्रमुखता और दृढ़ता से कि अब हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। वी हैव टू प्रायोरिटी फॉर दोज हु बिलोंग टू रूरल एरियाज। मतलब ये है कि जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग चीज़ों को बनाते हैं उनको भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, चाहे वो किसान हो चाहे छोटे छोटे मझोले लघु उद्योग हैं, उनको प्रमुखता देनी पड़ेगी, तब हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अन्यथा दोस्तों ऐसे ही उपेक्षा के शिकार होते होते एक दिन चीज़ें बहुत विकराल और समस्याग्रस्त हो जाएंगी। इसलिए अगर हमें इन चीज़ों को बचाना तो सबसे पहले हमें इन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यह राज्यों के लिए भी संदेश है कि विकास के पुराने मॉडल को बदलो, विकास के नए टापू बनाने के बजाय आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करो। इस संकट में सबसे ज़्यादा सहारा गांव ने दिया है, तो गांव को बचाना और बढ़ाना है। इसलिए केंद्र सरकार देश में 1000 अर्बन औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण करने जा रही है, जो गांव के करीब होंगे और शहरों जैसी सुविधा रोजगार के अवसर देंगे। अन्य मुख्यमंत्रियों के विपरीत योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर को लपक लिया। उत्तर प्रदेश के माथे से पलायन का कलंक मिटाने का संकल्प राज्य की अर्थव्यवस्था एक नए पायदान पर ले जा सकता है। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं एक दिन वीडियो देख रहा था आपके ठाकरे से रिलेटेड कोई था, चाहे उद्धव रहा हो चाहे राज ठाकरे रहा हो, शायद उद्धव ठाकरे ही थे। उन्होंने कहा कि मैं यदि उत्तर भारतीयों के ऊपर किसी प्रकार का निर्णय लेना चाहता हूं तो इसलिए करना चाहता हूं कि आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि आप लोग भी सीखो। जब आप लोग अपनी नई सरकारें चुनते हैं अपने राज्यों में तो उनसे कहते क्या है, उनसे अपेक्षा क्या रखते हैं आप कि ऐसे ही हम फिर आपका चुनाव करें उसके बाद अन्य शहरों अन्य देशों में पलायन के लिए मजबूर हों। आप जागरूक बने और सरकार से सवाल करिए कि आखिर हमें कब तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा, रोजगार के लिए अन्य शहरों अन्य देशों में जाना पड़ेगा। तो उनकी बात मुझे लगी थी और वो आज समय आ गया है कि ये बात हमें रखने की। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं इसमें, दोस्तों बता दें आपको, अगर ब्यूरोक्रेसी सही तरह से काम करे, निष्पक्ष तरीके से काम करे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तभी कुछ चीज़ें बन जाएगी। उन्होंने अभी तक जितने कदमों
की घोषणा की है और जिन पर काम शुरू किया है वे सब जमीन पर उतर गए हैं, तो रिवर्स माइग्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब समझें, पहले लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करते थे, अब लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन करेंगे। 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या केवल 2700 के करीब होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर योगी इन उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होने वाले में नहीं है। चुनौतियों को अवसर में बदलना उनका स्वभाव बन गया है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। यदि किसी प्रकार का कोई भी ओपिनियन आप रखते हैं तो ज़रूर सुझाव दें, क्योंकि जब आप कभी भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना ओपिनियन रखेंगे तो याद रखिएगा आपकी भाषा शैली, और आप एक ज़रूर सोचते हैं कि सामने वाला थोड़ा सा मोटिवेट हो, तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।